गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? हाउ वर योर हॉलीडेज? आपकी छुट्टियाँ कैसी थी? आई होप यू आर हेल्दी। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। लेट अस नाउ फोकस ऑन योर स्टडी। आइए अब पढ़ाई पर ध्यान दें। नाउ वी विल रीड लेसन 5। अब हम इंग्लिश का लेसन 5 रीड करते हैं या पढ़ते हैं। लेसन नेम है एनिमल स्कूल। एनिमल स्कूल होता है जानवरों का स्कूल। दिस इज ए स्कूल। दिस होता है यह है एक स्कूल है। दिस इज ए स्कूल फॉर एनिमल्स। दिस होता है यह है ए होता है एक स्कूल होता है स्कूल और एनिमल्स होते हैं जानवरों। यह है जानवरों के लिए एक स्कूल है। बेबीज ऑफ एनिमल्स कम टू दिस स्कूल। बेबीज ऑफ एनिमल्स होता है जानवरों के बच्चे कम होता है आना और दिस स्कूल होता है इस स्कूल में। जानवरों के बच्चे इस स्कूल में आते हैं। दे सिट ऑन द बेंचेस। सिट होता है बैठना। वे बेंच पर बैठते हैं। मिसिस क्रेन इज द टीचर ऑफ दिस स्कूल। टीचर होता है शिक्षक। श्रीमती क्रेन इस स्कूल की शिक्षक हैं। टुडे शी इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। टुडे होता है आज। राइटिंग होता है लिखना और ब्लैक ऑन होता है पर। आज वह ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं। शी इज राइटिंग गुड मॉर्निंग। शी होता है वह है। राइटिंग होता है लिखना। वह गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। नेक्स्ट है मिसिस क्रेन सेज से गुड मॉर्निंग। सेज होता है कहना। श्रीमती क्रेन कहती हैं गुड मॉर्निंग। से होता है कहो। गुड मॉर्निंग कहो। द पप्पी सेज बो। पप्पी होता है पिल्ला। पिल्ला कहता है भो भो। द कीटन सेज मियाओ मियाओ। कीटन होता है बिल्ली का बच्चा। सेज होता है कहना। बिल्ली का बच्चा कहता है म्याओ म्याओ। मिसिस क्रेन गोज टू द लैम्प। लैम्प होता है मेमना। गोज होता है जाना। श्रीमती क्रेन मेमने के पास जाती है। शी सेज। सेज होता है कहना। वह कहती है से गुड मॉर्निंग। सुपर गुड मॉर्निंग सुप्रभात कहो। द लैम्प सेज बाबा। लैम्ब होता है मेमना। मेमना कहता है बाबा। द काल्फ सेज मू मू। काल्फ होता है बछड़ा। बछड़ा कहता है मू मू। मिसिस क्रेन गोज टू द चिक। गोज होता है जाना। चिक होता है चूजा। श्रीमती क्रेन चूजे के पास पर उनके पास जाती है। एंड सेज और कहती है से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुप्रभात कहो। नेक्स्ट है द चिक सेज क्लक क्लक। चूजा कहता है क्लक क्लक। मिसिस क्रेन गो टू द डकलिंग। डकलिंग होता है बत्तख का बच्चा। गोज होता है जाना। श्रीमती क्रेन बत्तख के बच्चे के पास जाती है। शी सेज वह कहती है। से होता है कहना। गुड मॉर्निंग वह कहती है गुड मॉर्निंग। द डकलिंग सेज बत्तख का बच्चा कहता है क्वैक क्वैक क्वैक। श्रीमती क्रेन इज वेरी प्लीज। श्रीमती प्लीज होता है प्रसन्न। वेरी होता है बहुत। श्रीमती क्रेन बहुत प्रसन्न है। शी सेज वेरी गुड। वेरी गुड होता है बहुत अच्छा। वह कहती हैं बहुत अच्छा। ऑल द चिल्ड्रन हैव सेड। ऑल होता है सभी। चिल्ड्रन होता है बच्चों। सभी बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग। They have said in it in their own way. उन्होंने इसे अपने तरीके से कहा है। Dear student, हमने जो भी लेसन पढ़ा है उसे एक बार फिर से क्लियर करते हैं। दोबारा से रीड करते हैं एक बार।
एनिमल स्कूल, पशुओं का पशुओं का स्कूल, दिस इज़ ए स्कूल, यह एक स्कूल है, दिस इज़ ए स्कूल फॉर एनिमल्स, यह जानवरों के लिए एक स्कूल है, बेबीज ऑफ एनिमल्स कम टू दिस स्कूल, बच्चों जानवरों के बच्चे इस स्कूल में आते हैं, दे सिट ऑन द बेंचेस, वे बेंच पे बैठते हैं, मिसिस क्रेन इज़ द टीचर ऑफ दिस स्कूल, श्रीमती क्रेन इस स्कूल की शिक्षक हैं, टुडे शी इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, टुडे होता है आज, आज वह ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं, शी इज़ राइटिंग गुड मॉर्निंग, वह गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। नेक्स्ट है मिसिस क्रेन से गुड मॉर्निंग, श्रीमती क्रेन कहती हैं गुड मॉर्निंग, द पप्पी सेज बो, पिल्ला कहता है भो भो, द किटन सेज म्याऊ म्याऊ, बिल्ली का बच्चा कहता है म्याऊ म्याऊ, मिसिस क्रेन गोज टू द लैम्प, श्रीमती क्रेन मेमनी के पास जाती है, शी सेज से गुड मॉर्निंग, वह कहती हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कहो, द लैम्प सेज बा बा, मेमना कहता है बा बा, द काल्फ से मू मू, बछड़ा कहता है मू मू, मिसिस क्रेन गोज टू द चिक, श्रीमती क्रेन चूजे के पास जाती है, एंड सेज और कहती है से गुड मॉर्निंग, कहो सुप्रभात। नेक्स्ट है द चिक सेज क्लक क्लक, चूजा कहता है क्लक क्लक, मिसिस क्रेन गोज टू द डकलिंग, श्रीमती क्रेन बत्तख के बच्चे के पास जाती है, शी सेज वह कहती है से गुड मॉर्निंग, कहो सुप्रभात, द डकलिंग सेज क्वैक क्वैक, डकलिंग होता है बत्तख का बच्चा, बत्तख का बच्चा कहता है क्वैक क्वैक, मिसिस क्रेन इज वेरी प्लीज्ड, श्रीमती क्रेन यह क्रेन बहुत प्रसन्न है, शी सेज वह कहती है वेरी गुड, बहुत अच्छा, वह कहती है बहुत अच्छा, ऑल द चिल्ड्रन हैव सेड गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग, दे हैव सेड इट इन देयर ओन वे, सभी बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग, उन्होंने इसे अपने तरीके से कहा। Now we will read lesson 5 difficult words. अब हम lesson 5 के difficult words read करते हैं. Number 1 है animal. A-N-I-M-A-L. Animal. Animal का meaning होता है जानवर. Number 2 है writing. W-R-I-T-I-N-G, writing, writing का meaning होता है लिखना. Number 3 word है kitten, K-I-T-T-E-N, kitten, kitten होता है बिल्ली का बच्चा. Number 4 है lamb, L-A-M-B, lamb, lamb का meaning होता है मेमना. नंबर 4 है duckling, D-U-C-K-L-I-N-G, duck. डकलिंग, डकलिंग का मीनिंग है बत्तख का बच्चा. चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मीनिंग होता है बच्चे. मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मीनिंग होता है सुबह. नेक्स्ट है चिक, सी एच आई सी के, चिक, चिक का मीनिंग होता है चूजा. डियर स्टूडेंट, इसको एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं. ये हैं लेसन 5 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स. नाउ वी विल स्टार्ट डिफ़िकल्ट वर्ड. नंबर 1 है एनिमल, एनिमल, ए एन आई एम ए एल, एनिमल, एनिमल का मीनिंग होता है जानवर. नंबर 2 है राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग, राइटिंग का मीनिंग होता है लिखना.
नंबर थ्री है कीटन, KITEN, कीटन, बिल्ली का बच्चा। नंबर फोर है लैम्प, LAMB, लैम्प, लैम्प का मीनिंग है मेमना। नंबर फाइव है डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग, डकलिंग का मीनिंग होता है बत्तख का बच्चा। नंबर सिक्स है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मीनिंग होता है बच्चे। नंबर सेवन है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग का मीनिंग होता है सुबह। नंबर एट है चिक, CHICK, चिक, चिक का मीनिंग होता है चूजा। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन फाइव रीड किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार घर पर इस लेसन को अगेन रीड करें ताकि आप सबको समझ आ सके। डियर स्टूडेंट, यदि हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हम पिछला सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसे ध्यान से तथा साफ सुथरा फेयर कॉपी में करें। डियर स्टूडेंट, जब भी आपको ऑनलाइन क्लास दी जाती है सुबह नहा के और फुल यूनिफॉर्म में